रायगढ़ की छात्रा हूँ और छात्रों के साथ साथ मुझे सभी स्टूडेंटों ने अपना छात्र प्रतिनिधि जो अध्यक्ष चुना है और जो ये प्रेसिडेंट ये कोई पद नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है जिसको लेकर मैं बखूबी काम कर रही हूँ, तभी मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और जो ये रोडवेज वालों की हड़ताल है हम उनको समर्थन कर रहे हैं, लगभग 15-20 दिन से ये हड़ताल है क्योंकि हमें ही सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट है क्योंकि सभी छात्र और छात्राएं कॉलेज में आती हैं और उसको मतलब सबसे ज़्यादा हमें ही बेनिफिट है इसका। और जो हमने सरकार से मांग की है कि वो 14,000 नई बसें रोडवेज वालों के बैंड में शामिल करें और जो प्राइवेट बसें हैं 720 बसें उनका परमिट रद्द करें। बस में प्राइवेट बस में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मिल नहीं रही है। जब हमारी कॉल से छुट्टी होती है तो सभी लड़कियां उसमें वो बोलते हैं कि 10 से अगर ऊपर एक भी लड़की चढ़ गई तो नीचे उतार देंगे वो बाप लड़के, ऐसे बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो मिसबिहेव करती है वो सभी लड़कियों के साथ। शर्मा हूँ, मैं आशा वर्कर की प्रधान हूँ, मैं अपना रोडवेज के लिए समर्थन देती हूँ। जितनी हमारी आशा वर्कर है पूरी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला की, हम उनके साथ है, बिल्कुल समर्थन उनके साथ है क्योंकि रोडवेज जो महकमा है जो ये हटाए गए हैं हम इनके बिल्कुल खिलाफ है सरकार के। अगर रोडवेज वाले होंगे, क्योंकि अगर सरकारी बसें होंगी तो उसमें, क्योंकि हम आशा वर्कर हैं, निजी स्तर पे हम काम करती है, ग्रामीण के गरीब से गरीब लोगों का हम भला चाहते हैं क्योंकि प्राइवेट बस में उनको कोई बेनिफिट नहीं है और सरकारी बस में उनको बहुत बेनिफिट है। और जो प्राइवेट बस है वो रुक रुक के चलती है, अगर हमने कहीं पहुंचना तो हम नहीं पहुंच पाते, तो हम ये चाहते हैं कि यही बसें सरकारी बसें आए जो इनको निजीकरण के से हटा दिया जाए। जिला सचिव अम्बाला, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार ने जनविरोधी निर्णय लिया है, जो 720 बसों को निजी बसों को जो बेड़े में शामिल कर रही है, हमारा ये मानना है कि साफ साफ अपने चहेतों को, अपने लोगों को, बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का इनका ये फैसला है और ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, ये जो गरीब लोग हैं उनके हित में बिल्कुल नहीं सोच रही। हम मांग करते हैं कि सरकार 720 रोडवेज के जो परमिट हैं इनको रद्द करे और 14,000 बसें इस बेड़े में शामिल करे ताकि लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सके और सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया है इसके साथ साथ वो भी पूरा होगा। अगर ये निजीकरण करेंगे तो सरकार खुद अपने वादे के खिलाफ काम कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 2,00,000 हर रोज हर साल सरकार ने वादा किया कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो सरकारी महकमों का निजीकरण करके नहीं दिया जा सकता। सरकारीकरण होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों की सुरक्षा होगी। हम यही मांग करते हैं कि सरकार अपना फैसला रद्द करे, नहीं तो आने वाले समय में इस सरकार को ये इसका खामियाजा भुगतना होगा जो हठ धर्मिता सरकार ने अपनाई है। पूरे गांव क्षेत्र के अंदर आज इनका विरोध शुरू हो गया है, ये इस बात से चेतें। जनता ने सबको सीधा किया है, हिटलर से ऊपर कोई तानाशाह नहीं था और बंसीलाल जो पहले यहाँ चौटाला की भी सरकार रही है, सब लोगों ने जन विरोध में काम किए हैं लेकिन जनता ने सड़कों पे उतर के सबको सीधा किया है, इनको भी सीधा कर देंगे लोग। ये लोगों की लड़ाई है, ये सिर्फ कर्मचारी की अपनी निजी हित की लड़ाई नहीं है, ये जनता की मांग है, जनता ये चाहती है तो जनता जो चाहती है वही होगा। सरकार कहती है कि सरकार को अधिकार है, भाई अधिकार है तुमको लेकिन जन भावनाओं के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। आप यही वादा करके आए थे कि जनता के लिए काम करेंगे, निर्णय होगा हम उनके समर्थन में होंगे, जो भी तालमेल कमेटी फैसला करेगी CITU बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के उनका समर्थन करेंगे और हम तमाम लोगों को इस आंदोलन के अंदर जोड़ेंगे। आपके सीनियर से, हम सर्व कर्मचारी संघ से, वैसे तो अभी तालमेल कमेटी बनी हुई है हमारी, रोडवेज से हो या रोडवेज से है, क्या कहना है? ऐसे है जी, सरकार ने अपने धर्म अपना रखी है जो 720 परमिट को देने के लिए, इससे सीधा सीधा यह होता है कि ये रोजगार ख़त्म करना चाहते हैं और जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको नौकरियां कहाँ मिलेगी जब ये इनको प्राइवेट कर देंगे महकमे को। ये इन्हें सबसे पहले इसी पे अटैक करना सोच रही है, ये रोडवेज पे। रोडवेज वाले ऐसे दबने वाले नहीं हैं, सरकार को जो मर्जी है वो करें लेकिन हम पूरा इसके साथ कंधे से कंधा मिला के वो चलेंगे, हम इसका विरोध करेंगे और सारी जनता को साथ लाएंगे। हम अपना प्रचार भी करते हैं, अभी ये जनता के हित में नहीं है जो भी ये सरकार कर रही है। नहीं, एक तरफ की अपनी वो है, हमारी कोई मांगे और नहीं है, सिर्फ ये है 700 परमिट है जो ये निजीकरण के लिए, इसको रद्द करें। हमको यही है कि इस पॉलिसी को रद्द करें, हमने तनख्वाह की ना डिमांड की है और ना करें।
हमको बतेरी तनख्वाह मिल रही है, किसी को 20,000 है, किसी को 35 है, 35 है, लेकिन इससे ऊपर कुछ नहीं है। सरकार वैसे गुमराह कर रही है, ये तो पब्लिक को अभी इनके 35-35,000 तनख्वाह है। जो हमारे रोडवेज के ड्राइवर कनेक्टर चलते हैं वो 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, और ये 16 घंटे वैसे बैठ के दिखा दे, हम मान जाएंगे? ये तो 16 घंटे इनके वो है, हिम्मत है जो से ड्राइवर 24 घंटे आँख ऐसे रहती है निगाह, थोड़ी सी भी आँख इधर उधर होगी, कम से कम 55-60 सवारी होती है, उनकी भी जान को खतरा होता है। ये तो वैसे ही हमको गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं।